I'm sorry, सास, मैं नहीं आ पाऊंगी. वो एक्चुअली मैं रघुवीर के साथ लंच कर रही हूँ. तुम्हें खोने से ज्यादा और किसी चीज का दर्द महसूस ही नहीं होता मन ने प्रकृति. मेरी हर एक सांस में तुम बसी हो. इतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, फिर तुम मुझसे दूर कैसे हो सकती हो? कैसे हो सकती हो मुझसे दूर? भरोसा मैं ना मेरे प्यार पे ना है ना भरोसा? देखा जाओगी दिखाता हूँ. उस दुनिया में ना रखा एक एक अपनी दुनिया बनाई है तुम्हारे लिए. तो जिसमें एक जान है हम प्रगति, तो जिसमें एक जान कोई जुदा नहीं कर सकता हमें, कोई भी नहीं. जैसे इस कमरे के कोने कोने में तुम बसी हो ना, वैसे मेरे दिल के हर कोने में भी सिर्फ तुम ही हो. कितना प्यार करता हूं मैं, तुम क्यों ना करते मुझसे इतना प्यार? क्यों कम पड़ जाता है मेरा प्यार तुम्हारे लिए? क्यों उसे छोड़कर मेरे पास नहीं आई तुम? ये तुमने अच्छा नहीं किया प्रगति, तुम उसे छोड़ के मेरे पास नहीं आई, ये तुमने अच्छा नहीं किया. सुना तुमने? अच्छा नहीं किया तुमने. प्यार में बावड़ा जरूर हूं प्रगति, पर बेवकूफ ना. एक बार तुम्हें रघुवीर के साथ खोके गलती कर चुका हूं, इस बार नहीं. तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी, चाहे उसके लिए मुझे किसी की सांसें रोकनी ही क्यों ना पड़े. थैंक्स वंस अगेन. तुम मुझे एक चांस ना देती तो मैं खुद को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाता प्रिया. एंड वन मोर थिंग, तुम जब साथ होती हो तो टाइम कम पड़ जाता है, पता ही नहीं चलता कि 3-4 घंटे कब निकल गए. बस यही रोक दो. क्यों, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप करता हूँ ना? पर अक्षय किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. प्रॉब्लम कैसी, पहले भी तो तुम्हें घर तक ड्रॉप करता था ना. पर अक्षय, पहले की बात कुछ और थी, अब मैं एंगेज्ड हूँ. हमारे बीच में जो भी कुछ था वो एक पास्ट था. ऐसा पास्ट जो मेरे लिए कभी लास्ट नहीं होगा. एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इस पास्ट को कोई भी वैसे नहीं जी पाएगा जैसे हम दोनों ने जिया था. सो प्लीज सीरियसली सोचना. आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई. I have to go. लो आ गई प्रिया. कहाँ थी तू? इतना वेट कर रहे थे तेरा. चलो वेट कर रहे थे देव जीजू. कहाँ थी तू? हाँ लो जी आ गई प्रिया. क्या बात है प्रिया, देव को इतना वेट क्यों कराया? अपने होने वाले पति को अभी वेट कराओगी ना तो इसका माइंड चेंज हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा आंटी, क्योंकि जब प्रिया मेरा इतना वेट कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ. आप झूठ बोल रहे हो जीजू. अगर इतना पेशेंस होता आप में तो शादी की डेट पहले क्यों करवाते? शादी की डेट? हाँ बेटा, पंडित जी ने 15 दिन बाद का मुहूर्त निकाला है. हाँ यही बताने के लिए तुम्हें फोन करा था, लेकिन तुमने फोन कट कर दिया. फिर मैंने सोचा कि इतनी इम्पोर्टेंट बात है तो मिलकर ही बताता हूँ. बहन जी, अब आपकी होने वाली बहू आ गई, अब तो आपको मुंह मीठा करना ही पड़ेगा. देव, हमारी प्रिया बहुत ही प्यारी है, बस उतने ही प्यार से उसे संभालना. जी बिल्कुल.
अबाउट इट स्वीटहार्ट। अब सेल्फी टाइम होगा, आ जाओ सारे, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। बिल्कुल बिल्कुल। उफ़ो, ये रबी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कर क्या रहा है वो? कब से ट्राई कर रही हूँ रबीर को, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रगति उसके साथ है इसलिए वो फोन नहीं उठा रहा है? क्या माँ, प्रगति रघुवीर के साथ कैसे हो सकती है? आपने सास को भेजा तो है उसे लंच पे ले जाने के लिए। सास, सास, अंदर आ, अंदर आ। खून कैसा? छोटी मोटी चोट है। प्रगति कहाँ है? तुझे प्रगति के साथ लंच करने के लिए भेजा था ना, इतना सा काम था, वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाए। अरे अगर तुम ये भी काम नहीं कर पाओगे तो हम रघुवीर और प्रगति को अलग कैसे कर पाएंगे? पूछ रही ना प्रगति कहाँ है? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मैं यहाँ हर्षित भाई जी की तरह आपका कोई पालतू जानवर ना हूं, इसलिए मुझ पर हुक्म चलाने का क्या हो रहा है? हर्षित भाई जी, रघुवीर पे हाथ ना उठाने की मजबूरी है, लेकिन आपके साथ ऐसा कोई रहम ना करूंगा, इसलिए भूल के भी ये गलती ना करना। दास, जल्दी खाती ताकत। छोड़ो तुम दोनों, छोड़ो, मेरी बात को सुनो। पागल हो गया तुम दोनों? अगर इसी तरह हम तीनों आपस में लड़ते रहेंगे ना तो देखना एक दिन हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, फिर सड़ते रहना जेल में। तुम जाओ यहां से सास। हर्षित, अब बीच में आ गए, वरना इस साहस को इसकी औकात याद दिला देता मैं आज। पता नहीं किस मारे के बेटे को सर पे चढ़ा रखा है। हर्षित, वो तो पागल है, लेकिन तेरे पास तो दिमाग है ना, तू सोच। डरते रहते हो। रफीर, रफीर आ गया होगा, मैं देखती हूं। ड्राइवर, तो फिर प्रगति कहाँ है? प्रगति रणबीर के साथ, अभी उसकी गाड़ी में? नहीं, गंगा उल्टी नहीं बह सकती, कभी भी नहीं। रघुवीर, हाँ, कल से गाड़ी मैं चलाऊंगी। फिर तो हम पहुंच गए, परसों पहुंचेंगे। Joking, बेबी, मजाक कर रहा हूँ। But I'm not joking. कल से गाड़ी मैं ही चलाऊंगी। Oops. कैसा रहा आज का दिन? ठीक ही था। कोई मीटिंग थी क्या? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। अच्छा, शायद इसलिए तुम दोनों एक ही साथ एक ही गाड़ी में आ रहे हो, है ना? हाँ, बड़ी माँ, वो क्या है ना, इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के सामने दिखाना पड़ेगा ना कि हम लोग मतलब कितना साथ में, नहीं तो वो उनको लगेगा कि हम दोनों साथ में नहीं है तो वो डील कैंसिल कर देंगे। हमें तो डील फाइनल करनी जरूरी है ना। बिल्कुल समझ गई बेटा जी, जाओ रेस्ट कर लो। आखिर चल क्या रहा है? कुछ बदला बदला सा लग रहा है मुझे, समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। कहीं इन दोनों के बीच कोई नई खिचड़ी तो नहीं पक रही है ना? इससे पहले कि कोई खिचड़ी पके इन दोनों के बीच, मुझे कुछ करना होगा। सास के बारे में तो भूल ही गई, उसे मिलकर आती हूं।
साहस, ये चोट कैसे लगी? ये तो मैं साफ कर देती हूँ। रहने दो वाणी मैडम, ये जाट इतना तो अपने आप कर ही सकता है। क्यों यार, सदमा लग गया? मुझसे कभी एक्सपेक्ट ना किया होगा ना? मैंने भी ना किया था। नहीं सोचा था कि जब मुझे अपनी सबसे प्यारी दोस्त तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम ना होगी। तुम समझ भी ना सकती कि मैं किन हालातों में था जब मैंने तुम्हें कॉल किया। इबले देखे तुम ही तो जैसे आस लगाई थी और गलती की। कहने को तो एक डॉक्टर हूं पर कभी कभी इस अकेले पर कभी इलाज ना मिलता। मैंने आज मैंने तुम्हें आज ना प्रगति, हमेशा से कॉलेज से लेके आज तक तुमने हमेशा मेरे साथ यही किया है। कुछ भी होता था मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करता था ये सोच के कि तुम आओगी, पर हर बार तुम उस रघुवीर के साथ चली जाती थी। दोस्ती में मैंने भगवान माना था तुम्हें, पर ये भूल गया कि भगवान कब कहां किसी को दर्शन देते हैं। वो तो घोर तपस्या करने के बाद थोड़ा सा दर्शन देके चले जाते हैं। ना भगवान ना, मुझ पे ना कोई कर्म ही ना करो। मैंने ऐसी किसी दोस्ती पे विश्वास नहीं रखना जिस दोस्ती में फैसला दोस्त ना कोई और लिखता हो। कसम से अब तो ऐसा लगने लगा है कि इस घर में आने के बाद मैं कठपुतली बन गया हूं। जो जो तुम कहती गई मैं करता गया। तुम गलत समझ रहे हो। तुमसे मेरी दोस्ती और रघुवीर से मेरा रिश्ता, ये दोनों अलग है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ क्योंकि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। मैं रघुवीर से प्यार करती हूँ क्योंकि वो मेरी जिंदगी है। जाओ यहाँ से, कोई बात ना समझनी, कुछ ना समझना, प्लीज जाओ यहाँ से। आज लेकिन हाथ जोड़ता हूँ, जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ साहस, प्लीज। नहीं सोचा था कि जब मुझे अपनी सबसे प्यारी दोस्त तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम ना होगी। मैंने ऐसी किसी दोस्त पे विश्वास नहीं रखना जिस दोस्ती में फैसला दोस्त ना कोई और लिखता। सास ने हमेशा मेरी हेल्प की और आज मैंने उसे हर्ट किया। अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करती। मेरे सिवाय उसका है ही कौन? तुम उसको एक्सपेक्ट कर रही थी, I'm sorry। नहीं नहीं रघुवीर, उसके बारे में इसलिए सोच रही थी क्योंकि उसे मेरी जरूरत है। रघुवीर साहस को इतनी चोट लगी, उसने मुझे ऑइंटमेंट लगाने भी नहीं दिया। उसने पहले ऐसे कभी बिहेव नहीं किया। जब उसने मुझे बुलाया मुझे उसके पास जाना चाहिए था। मतलब उसकी कंडीशन के लिए तुम खुद को ब्लेम कर रही हो। ऐसे केसेस अगर हर रोज होंगे तो अपना काम छोड़ के हर रोज तुम इसी तरीके से उसकी मदद करने उसको मलम पट्टी लगाने जाओगी? प्रगति वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं, डॉक्टर है वो। बच्चा नहीं है सास, लेकिन इंसान तो है ना। रघुवीर वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, तो मुझे भी तो उसका ख्याल रखना चाहिए ना। तुम रखो उसका ख्याल, आज के बाद उसकी कोई परेशानी मुझे मत बताना। रघुवीर प्रगति पे मेरा गुस्सा बेकार मिल जाएगा, बेचारी को पछतावा हो रहा होगा। देखना अभी माफी मांगने आते ही होगी। ये हुई ना बात, तुम्हें अच्छी तरह जानू मेरी पानी। I'm sorry साहस, मैं तुम्हें जानबूझकर हर्ट नहीं करना चाहती थी।
तुम जानते हो ना, जितनी केयर तुम मेरी करते हो उतनी ही केयर मैं तुम्हारी करती हूँ। आज तुम मेरे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। दोस्त किसे बनना है प्रगति? मुझे तो कुछ और बनना है, और तुमसे सॉरी नहीं, आई लव यू सुनना है। साहस, तुम अपने दोस्त को माफ नहीं करोगे? तुम ऐसे तो नहीं थे। क्या नहीं, पर आज तुमने बना दिया। जब तो जिंदगी से समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। साहस, पहले तो ये डिप्रेसिंग बातें बोलना बंद करो और अपनी शर्ट चेंज करो। कितना खून बहा है तुम्हारा। क्या करूं, कोशिश तो की थी पर लाचार हूं। साहस, मेरे रहते हुए ना ऐसी बातें मत करो। एक मिनट, खड़े हो जाओ, चलो। दिल पे हाथ तो रख ही दिया है प्रगति, बस इस दिल में उतरना बाकी है। कोई ना, बहुत जल्द उतरोगी।